हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एब्रोटेनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में शेयर करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी खास सिम्टम होते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं, उसके बारे में शेयर करते हैं। तो एब्रोटेनम में एक सिम्टम ये होता है मेरिस्मस डिजीज के बारे में, यानी मेरिस्मस रोग जो होता है, यानी सूखा रोग जो हो जाता है बच्चों में, मोस्टली ये होता है। तो मेरिस्मस रोग में ये बहुत ही इफेक्टिव काम करती है, मतलब बच्चों के केस में खास करके ये बहुत इफेक्टिव होती है। और पता लगा बच्चे जो है पैदा हुए उसके बाद फिर वो हेल्दी नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल सूखते जाते हैं। कितना भी खिलाओ पिलाओ, उनको दूध पिलाओ, अच्छे से अच्छी चीज खिलाओ पिलाओ पिलाओ, लेकिन वो नहीं जो है हेल्दी हो पाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। तो खास करके ब्रोटेनम में जो मेरिस्मस होता है वो खास करके जो है एसेंडिंग टाइप का होता है, यानी पहले पैर, इसमें पैर में पहले सूखा रोग पकड़ता है, उसके बाद फिर शरीर के ऊपरी वाले हिस्से में, उसके बाद फिर सबसे बाद में चेहरे पे सूखा रोग आता है। तो सबसे पहले इसमें सूखा रोग होता है पैर में, होता है पैर में सूखा रोग पहले होगा, उसके बाद फिर कमर के ऊपर होगा, हाथ में होगा, और चेहरे वगैरह पे सबसे बाद में होता है। तो इसमें एसेंडिंग टाइप का सूखा रोग होता है, यानी सबसे पहले पैर में शुरू होता है। और सूखा रोग के लिए और भी मेडिसिन है, तो उसमें अलग अलग सिम्टम होते हैं, लेकिन एब्रोटेनम के केस में अगर खास करके हम देखें तो सूखा रोग जो होता है वो पहले पैर से शुरू होता है। तो अगर सूखा रोग पैर से शुरू हो रहा है बच्चों में, चाहे वो बच्चे जो है इन्फेंट हैं, चाहे थोड़े से बड़े हैं, एक दो साल के हैं, अगर उनके केस में सूखा रोग हो रहा है तो वहाँ पे ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। मेरिस्मस डिजीज से संबंधित एक हम केस शेयर करते हैं। तो एक फीम लेडीज थी, उनका वो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी अच्छे से खाई पी, काफ़ी उनका जो है देखभाल हुई प्रेगनेंसी के दौरान, हर चीज़ खाना पीना, दूध लेना, चना लेना, और हर चीज़ जो है हेल्दी डाइट लेती रही। लेकिन जब उनका डिलीवरी हुई तो उनकी लड़की पैदा हुई, और लड़की पता लगा दूध पिला रही हैं और लड़की बिल्कुल से वो हेल्दी नहीं हो पा रही, बहुत कम वेट की हुई, यानी डिलीवरी हुई तो कम वेट की हुई थी, कम वजन की पैदा हुई। और फिर वो आगे भी पता लगा 6 महीने साल भर तक वो जो है बिल्कुल से जैसे लगता कि उस पर जो है हेल्दी नहीं हो पा रही थी, स्वस्थ नहीं हो पा रही थी, उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये केस मेरे पास आया और हमने देखा, तो इसमें हमने इनको जो है फिर देखा कि सबसे पहले तो इसमें पैर ज़्यादा पतले थे, पैर दुबले पत्ते ज़्यादा थे। हमने इनको जो है एब्रोटेनम मेडिसिन चलाई थी, एब्रोटेनम 200 पावर की मेडिसिन दी इनको। तो एब्रोटेनम 200 की पावर देने से ये बच्चा बिल्कुल से फिर धीरे धीरे करके जो है हेल्दी हो गया, वेट भी बढ़ गया और थोड़ा से हेल्दी हो गया। तो हमने देखा कि एब्रोटेनम ऐसे केसेस में, मैंने मेरिस्मस वाले केसेस में, जिन बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, चाहे वो उनकी मदर काफ़ी हेल्दी डाइट लेती रही हो प्रेगनेंसी के दौरान और अच्छे से खाती पीती रही हों, फिर भी जो है ऐसे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, तो यहाँ पे हम एब्रोटेनम मेडिसिन दिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो इस तरीके से एब्रोटेनम जो है बच्चों के सूखा रोग में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। कहीं भी इस तरीके के केस हो तो वहाँ पे एब्रोटेनम मेडिसिन जो है 30 या 200 पावर में कम से कम दिन में एक बार 4 या 5 बूंद थोड़ा से पानी में डाल के लेने की जरूरत, देने की जरूरत रहती है, तो वो बच्चा फिर धीरे धीरे करके सही हो जाता है। एब्रोटेनम में अगला सिम्टम देखें तो मेटास्टेसिस का सिम्टम होता है। तो मेटास्टेसिस में मीन्स ये होता है कि जब कभी भी कोई भी बीमारी दब जाती है, और एक बीमारी दबने से दूसरी बीमारी जब पैदा हो जाए, दूसरी बीमारी हो जाए, तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो एब्रोटेनम के केस में ये काफ़ी जो है इसमें महत्वपूर्ण होता है। जैसे क्या होता है कि अगर डायरिया है, जैसे किसी को डायरिया है, तो डायरिया अगर दवा से दब गई तो गठिया की बीमारी हो जाती है, या किसी को गठिया की बीमारी है या डायरिया है तो उसको जो है दवा अगर दिया गया और दब गया तो वो पाइल्स हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मम्स है, मम्स अगर दब गया, मम्स दब गया तो जो है, अगर मेल का केस है तो उसमें जो है टेस्टिकल में सूजन हो जाती है, अगर वो फीमेल के केस है तो मेमरी ग्लैंड में सूजन हो जाती है।
तो इस तरीके से मेटास्टेसिस में ये होता है कि एक बीमारी अगर सप्रेस हो जा रही है, एक बीमारी दवा दब जा रही है, दवा देने से ठीक हो जा रही है, और अगर दूसरी बीमारी हो जा रही है तो इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो मेटास्टेसिस के केस में भी जो है ये एब्रोटेनम बहुत ही अच्छा काम करती है। अब मेटास्टेसिस में दो मेडिसिन होती है खास करके, एक एब्रोटेनम होती है, एक पल्साटीला होती है। एब्रोटेनम में क्या होती है कि डिजीज की फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे एक बीमारी मान लो अगर वो डायरिया है, और डायरिया अगर ठीक हुई तो क्या नाम से वो पाइल्स हो जा रही है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जा रही है। लेकिन पल्साटीला में क्या होता है कि डिजीज तो सेम रहती है लेकिन पोजीशन चेंज हो जाती है। पल्साटीला में क्या होता है कि डिजीज वही रहेगी, अगर मान लो गठिया दबी है तो दूसरे जोड़ अफेक्ट हो जाती है, दूसरे जोड़ प्रभावित हो जाती है, यानी एक जोड़ अगर अफेक्ट होता है तो दूसरे जोड़ प्रभावित हो जाता है। तो अगर यहाँ से अगर मेटास्टेसिस हो रही है, यानी डिजीज वही है केवल पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ ऐसे केसेस में फिर पल्साटीला मेडिसिन काम करती है। यानी अगर ज्वाइंट में अगर प्रॉब्लम है तो अगर एक ज्वाइंट ठीक हुआ दूसरे ज्वाइंट फिर प्रभावित हो गया, तो ऐसे केस में पल्साटीला काम करती है। यानी डिजीज सेम होती है लेकिन पोजीशन बदल जाती है, यानी एक जोड़ से दूसरे जोड़ में अगर बीमारी चली जा रही है तो ये पल्साटीला का केस हो जाता है। चिल्ड्रेन के केस में देखें तो हाइड्रोसिल में, अगर हाइड्रोसिल का केस है बच्चों में जो है हार्ट टेस्टिकल का सूजन आ गई है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर अम्बिलिकल ब्लीडिंग हो रही है, यानी नाभि से ब्लड आ रहा है, ब्लड रिस रहा है बच्चों में, छोटे बच्चों में, तो वहाँ के केस में भी जो है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर नाक से भी ब्लड आ रहा है, इपिस्टेक्सिस का प्रॉब्लम है, इपिस्टेक्सिस की दिक्कत है छोटे बच्चों में, तो ये जो है एब्रोटेनम बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो इस तरीके से एब्रोटेनम को अगर एक बार हम देखें तो एब्रोटेनम जो है सूखा रोग में अच्छा काम करती है, मेटास्टेसिस के केस में अच्छा काम करती है, और बच्चों के हाइड्रोसील में काम करती है, अम्बिलिकल ब्लीडिंग में काम करती है, यानी नाभि से अगर ब्लड आ रहा तो वहाँ काम करती है, और नाक से अगर ब्लड आ रहा तो वहाँ भी बच्चों में काम करती है। तो एब्रोटेनम सबसे अच्छा काम इसमें हम देखा गया है कि सूखा रोग पे काम बहुत अच्छा करती है। जब सूखा रोग हो जाता है बच्चों को तो एब्रोटेनम मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और खास करके सूखा रोग में ये जो है नीचे से ऊपर का सूखा रोग होता है, सबसे पहले एब्रोटेनम में स्टार्टिंग पैर से होता है, यानी पैर में सूखा रोग पहले पकड़ेगा, उसके बाद फिर पेट के हिस्से में पकड़ सकता है, उसके बाद फिर ऊपर चेहरे वगैरह में सूखा रोग हो जाता है। तो एसेंडिंग टाइप का अगर सूखा रोग हो तो वहाँ पे एब्रोटेनम बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों ये एब्रोटेनम के बारे में हमने जो शेयर किया उसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।